हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देव। तो आलो राम सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है भाइयों। जैसा कि भाइयों आप जानते हैं, चक्रवाती तूफान क्यार की वजह से राजस्थान के चार जिलों में यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर में कल ओलों के साथ जबरदस्त बरसात हुई है। तो भाइयों, ये पिछले 24 घंटे में जबरदस्त बरसात इन चार जिलों में हुई है। लेकिन अब दूसरा तूफान जिसका नाम है चक्रवाती तूफान महा आने वाला है राजस्थान के अंदर, जिसकी वजह से राजस्थान के 10 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो हम आपको बताएं इसकी सारी जानकारी, कहां कहां अगले 24 घंटे में बरसात हो सकती है। तो वीडियो अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। देखो भाइयों, चक्रवाती तूफान क्यार के बाद अरब सागर में उठे समानांतर अन्य चक्रवाती तूफान महा के कारण राज्य के सीमावर्ती जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं पाकिस्तान से घुसपैठ कर राजस्थान में जो टिड्डी दल घुसे थे उन्होंने भी अपना रुख मोड़ लिया है। तो भाइयों, चक्रवात तूफान के चलते शुक्रवार सुबह से ही थार का मौसम पलटने लगा है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर में कई हिस्सों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कुछ ग्रामीण इलाकों में ओले गिरने की जानकारी भी सामने आई है। जोधपुर में दिन भर बादलों की आजवाही लगातार बनी हुई है, जिससे वहां पर ठंडी हवाएं चलती रही तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जोधपुर के अंदर। तो आपको बताना चाहते हैं, मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान की दिशा उत्तर की तरफ होने के कारण अगले 1-2 दिन में बादलों का मौसम बना रहेगा। इस दौरान इक्का दुक्की जगह पर बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि दूसरा चक्रवाती तूफान क्यार कमजोर होकर अब सिर्फ कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो शनिवार तक समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि सूर्यनगरी जोधपुर में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सूर्य निकलने के साथ आसमान में बादलों की हल्की आजवाई शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजे से ही शहर का मौसम बदलना शुरू हो गया था। बादलों की घनी आजवाई के साथ हवा बहने लगी और दिन भर रुक रुक कर ठंडी हवाएं चलती रही, जिसके कारण लोगों को तपिश से काफी राहत मिली है जोधपुर के अंदर। रात को भी ठंडी हवा चलने साथ मौसम अच्छा रहा है। तो भाइयों, चक्रवाती तूफान महा की वजह से आने वाले 24 घंटे में राजस्थान के 10 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर चुका है, जहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन 10 जिलों में अगले 24-48 घंटों में रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। तो आप भी सावधान रहे, यहाँ पर अगले 24-48 घंटे मूसलाधार बरसात देखी जा सकती है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, पिछले 24 घंटे में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर में जबरदस्त बरसात रिकॉर्ड दिखी। जैसलमेर के रामगढ़ जिले में कल ओलों के साथ बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो भाई, ये थी मौसम विभाग की बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी कि कहां कहां पर बरसात हुई और कहां कहां पर रेड अलर्ट घोषित किया है। तो आप भी सावधान रहे। अगर आप भी अपने जिले या राज्य के मौसम की ताजा जानकारी हमसे पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने नाम के साथ अपने जिले या राज्य का नाम तुरंत कमेंट कर दें, ताकि हम आपके कमेंट के अनुसार आपके जिले या राज्य के मौसम की जानकारी आपको दे देंगे, वहां पर कैसा मौसम रहेगा, इसलिए कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सभी दोस्तों आता की वीडियो बहुत मौसम की जानकारी जान सके। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो आज की तरह ही भाइयों, जय हिंद, जय भारत।